किसी को सार्केज्म का मतलब नहीं पता है ना तो ये पढ़ लो। पता है तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं ही पढ़ देता हूँ। द यूज ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन टू मीन द अपोजिट ऑफ वर्ड दे एक्चुअली से। पीपल यूज सार्केज्म इन ऑर्डर टू क्रिटिसाइज अदर पीपल और टू मेक देम लुक सिली। तो सार्केज्म का मतलब अगर आपने पढ़ लिया है तो वीडियो शुरू करते हैं। और क्या हम लोग बात कर लेते हैं द जेप्स के बारे में। तो इनका एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है जिसमें आप देख सकते हो 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। इतना ही नहीं, इनका जो है बहुत सारा चैनल्स भी है, मतलब कि एक चैनल नहीं है, बहुत सारा चैनल है इनका। तो रिसेंटली हुआ ये कि इनको एंड और 2 लोगों को जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, मुंबई पुलिस ने, बिकॉज ये जो अपने चैनल पर प्रैंक वीडियोज वगैरह अपलोड करते हैं लड़कियों के साथ, प्रैंक बेसिकली, उसको प्रैंक भी क्या बोले, स्क्रिप्टेड प्रैंक बेसिकली, वो सब जहां पर ये जो है लड़कियों को पैसे देते हैं ऐसे ऐसे प्रैंक करना एंड देन फिर वो जो है लड़कियों के प्राइवेट पार्ट्स वगैरह टच करते हैं, फिर गाली वगैरह देते हैं, वल्गर वर्ड्स वगैरह यूज करते हैं एंड इस टाइप का बहुत सारा वीडियो जो है वो अपने चैनल पर एंड फेसबुक पेज पर अपलोड कर चुके हैं एंड उस टाइप के वीडियो से वो लोग ने जो है 2 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा लिया है। बट हुआ है कि रिसेंटली 4-5 लड़कियों ने जो है पुलिस को कंप्लेंट कर दिया। वो लड़कियों ने कंप्लेंट किया जिसके साथ मुकेश ने जो है उस टाइप का हरकत किया था एंड उनको जो है पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं, जब वो लड़कियां बोलती थी कि वो वीडियोस को जो है तुम हटा दो अपने चैनल से, तो वो लोग क्या करते थे कि उन लड़कियों को जो है वो लोग धमकी देते, हमारे पैसे रिटर्न कर दो, ऐसा वैसा, तुम्हें डिफेम कर देंगे वगैरह वगैरह। अरे बेचारे, ये क्या हो गया? अरे तूने एक प्रैंकस्टर पे रोशनी बनाया था यार एक बार पहले, यार याद नहीं तेरे को? हाँ बनाया तो था। तो मैं तो उसका चैनल देख रहा था यार, मेरे को तो कुछ ही नहीं मिला। मतलब ये देख, इसने तो सारी वीडियो डिलीट कर दी, लोल। हाँ बेचा, मेरे को तो लगता है वो तुझसे डर गया। अरे कहाँ मुझसे डरा होगा, कितना अजीब सा नहीं लग रहा? 1.84 मिलियन सब्सक्राइबर पर नो कंटेंट, वाह। तो आज किस पे वीडियो बना रहा है? आज मैं फिर प्रैंक पर रोस्ट ही बना देता हूँ क्योंकि हम सुधरने वाले कहाँ हैं। सो व्हाट्स अप गमी बेयर्स, What's up gummy bears, it's me Mavic और आज भी हम pranks का roast करने वाले हैं। तो मैं अरुण राठौड़ की prank video ढूंढ रहा था but मेरे को उसकी तो नहीं मिली, उसकी girlfriend का channel मिल गया जिसपे prank की video थी। prank करते time निकू एंड काजल के साथ कुछ बदमाश निकी बदतमीजी __ राठौड़ निकू, बहुत बढ़िया। नंबर ले, नंबर ले, नंबर ले, वाह, वीडियो की स्टार्टिंग में धुलाई। अरे भैया इतनी जल्दी भी मजे मत दिलाया करो, थोड़ा पेशेंस के साथ मारा करो, है ना? अरे भाई किधर डाल रहा है? अरे भैया यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा, थोड़ा पीछे लो नी। कब जीत कब पोट मारे सट्टा सोर, कैसे आप समय आ गए आप लोगों के लिए कि एक वही सेम स्टार्टिंग, वही सेम बैकग्राउंड म्यूजिक एंड मुझे समझ नहीं आ रहा इनके बैकग्राउंड म्यूजिक पर कॉपीराइट क्यों नहीं लग रहा है। इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके, इंटरेस्टिंग सी वीडियो। तो आज का सवाल है कि इस इंटरेस्टिंग सी वीडियो में क्या होने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं, ए ये काले काले 2 अखियां पर डांस करने वाली हैं, बी ये काले अखियों की तारीफ करने वाली हैं, सी ये अपने पैरों से मेकअप करना सिखाएंगी, या फिर डी ये हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी बवासीर फैलाएंगी। इसका आंसर डीएम करो इंस्टाग्राम पर जल्दी के जल्दी। सबसे पहले डीएम करने वाले को हमारी तरफ से मिलेगा 10 रुपए के कुरकुरे। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। सो गाइस आज का प्रैंक ना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। सो गाइस, गाइस बोल बोल के इन्होंने ना लोगों का जीना हराम कर दिया है एंड कौन है गाइस जो इन्हें देखते हैं? आईटी के टॉपर हैं? नहीं। नीट एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चे? बिल्कुल नहीं। वो 10 से 16 साल के बच्चे जो अपने पापा के एटीएम से पैसे निकाल के कैरी मिनाटी को सुपर चैट करते हैं एंड बोलते हैं भाई मेरे दोस्त को हूतिया बोल दे एंड सोचते हैं कि कितना बड़ा काम किया है, बट लास्ट में पता चलता है कि सबसे बड़े हूतिये तो वो खुद ही है। नेवर माइंड, चेंज द टॉपिक, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज का प्रैंक ना बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, मजेदार होने वाला है। मुझे इनके कॉन्फिडेंस से ना बहुत डर लगता है, बिना वीडियो देखे ऐलान कर देते हैं कि वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। क्योंकि किंजल ने अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को बुलाया है। तो उसने बुलाया तो हम क्या करें? ना वो बेस्ट फ्रेंड हमारी, ना वो बॉयफ्रेंड हमारा। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। एक बार दिखाना भी, हम वहाँ पे खड़ा है वो देखो। अरे
ये बंदा कैमरे को घुमाता है और हमें क्या देखने को मिलता है, एक शतुरमुर्ग अपने बालों को संवार रहा है। इस बंदे को ना नशे की सख्त से सख्त जरूरत है, वो भी सस्ते वाले। एक काम करो, सस्ते वाले नहीं, नमक सुंघा दो, उसने काफी होगा इसके लिए। बस 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 बस, अब मेरे को दिखाओ। हाँ हाँ भैया जल्दी करो, इस झाड़ू को बहुत दिखा दिया, ग्लैमर नहीं दिख रहा है, जल्दी से जल्दी करो नहीं तो वीडियो इनकी कैसे चलेगी, है ना। तो गाइस प्रैंक तो नहीं आया, मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगी, बट ना ये जो सब चीज होता है, आप लड़कियों को छेड़ते हो, ये करते हो, ये चीज गलत है यार। अंदर नाग देवता मैंने ऐसे छुपा रखे हैं क्या? गन्ने से पतला ये, यही तो पतला है, कुछ और तो लंबा है मैडम। गलत है यार जो ये बात बोली है ना, सबसे पहले अपने बॉयफ्रेंड अरुण को बताओ, ठीक है? और ज्ञान देने से पहले उस खुद ज्ञान का पालन करना होता है, ओके? तो सुधर जाओ सबसे पहले। जिसको भी लग रहा है ये रियल है ना, तो सबसे पहले एक काम करो, अभी साथ में बैठो और मेरे साथ तालियां बजाओ अपने लिए। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, पूरे आत्मा का जोर लगा के कह रहा हूँ, ये लास्ट में इनका ये भी एक प्रैंक होगा। सो गाइस देखा आपने, प्रैंक के चक्कर में इतना बड़ा प्रैंक हो गया। वैसे सुधर गए, इन्होंने चैनल की सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, वेरी गुड। एंड क्या आपको पता है, इनके चैनल पर इनकी रिवेंज की सीरीज चल रही थी, जिसमें अरुण अपने जीएफ के साथ प्रैंक करता है, फिर जीएफ उससे नाराज हो जाती है, फिर वो जीएफ को मनाता है, फिर जीएफ मान जाती है, फिर जीएफ अरुण के साथ प्रैंक करती है, फिर अरुण नाराज हो जाता है, एंड ये पूरी साइकिल चलती रहती है। एंड फिर हमारे देश की ठरकी जनता, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, ये नहीं कि VPN लगा के अपना कंटेंट देख ले, बट नहीं, हमें तो YouTube पर देखना है। और पूरी वीडियो एंड तक देखना, बहुत बकचोदी वाली है, कुछ भी मिस मत करना। और ये मैंने नकली सांप भी यूज करा वीडियो में, और इसी वीडियो में मेरा पैर भी टूट गया था, मैंने प्लास्टर की जो स्टोरी डाली थी इसी वीडियो की है, तो वो बर्बाद नहीं जानी चाहिए मेरी मेहनत। मेरा पैर टूट गया है, बर्बाद नहीं जानी चाहिए मेरी मेहनत, मेरे हिसाब से अंकल ने भी आंटी को यही बोला होगा। पूरी रात बैठ के प्रोजेक्ट बनाने के बाद, वो बर्बाद नहीं जानी चाहिए मेरी मेहनत। अपनी जीएफ को प्रपोज करने के बाद, वो बर्बाद नहीं जानी चाहिए मेरी मेहनत। नहीं हो जरा भाई, यार चश्मा तो बड़ा अच्छा लग रहा है जी भाई। भाई जी इतना स्क्रिप्टेड वीडियो मैंने आज तक नहीं देखा, वो बंदा आया ही था इसको अपना चश्मा देने के लिए। देखियो लग रहा हूँ संजय दत्त, बिल्कुल सर्किट, एक जादू की झप्पी देना। वो जादू की झप्पी नहीं, जादू अपनी टट्टी फेंक के मारेगा, मुंह पर फेंक के मारेगा ना, साले नीला हो जाएगा। फिर करते रहियो ओम 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 ओम, साला क्या कर रहा हूँ, गोटी कल्टी मार। वाह भैया वाह, हो गया प्रैंक खत्म, बस किसी का चश्मा लेके भाग जाओ, हो गया प्रैंक। एक सीक्रेट बात बताऊं, इन लोगों का चोर बाजार वालों के साथ लिंक होता है, पहले क्या काम करते हैं, कैमरा लगा देते हैं और रिकॉर्डिंग ऑन कर देते हैं, इसके बाद शुरू होता है इनका धंधा। किसी का भी फोन मांगा, किसी का भी चश्मा मांगा और लेकर भाग जाते हैं, अगर पकड़े गए तो हेलो भैया हेलो दीदी इट्स अ प्रैंक बोल के बच जाते हैं। मीनवाइल दीदी, ओहो अच्छा प्रैंक था, कैमरा बंद होने देने साले के, अब बताती हूँ। चल क्या हो गया भाई, निकाले क्या भाई, क्या ऐसे ही करते हैं हम, बदमाश हैं आके कहां के बदमाश, मतलब भैया मैं तो मजाक में बोलती तो सच्ची में करने लग गई। एंड मेरे प्यारे चोरों, जो भी इस बात से एडवाइस ले रहे हो ना तो मत लो, क्योंकि जिसके ऊपर आपने प्रैंक किया उसको और वो प्रैंक पसंद नहीं आया तो ही कैन कंप्लेन टू यू अगेंस्ट द पुलिस एंड यू नो द रेस्ट, कहां-कहां डंडे पड़ते। मैं भी एक सोच रहा हूं बनवाने का, एक सीन देख सकता हूं आपका चश्मा? हां हां क्यों नहीं, दिखाना। भाई ये चल क्या रहा है, इतनी हेल्पफुल लोग मैंने आज तक नहीं देखे, कतई लॉली पॉप वाली दुनिया चल रही है, तेरी मेरी मेरी तेरी हेल्प ही चल रही है यहाँ पर है। एंड इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या, पूरा दिन बैठे रहते हैं पार्क में, भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, घर जाओ सैंडविच खाओ पूरे मौज लो। तो काम से याद आया हमारे स्पॉन्सर के बारे में, तो आज की वीडियो की स्पॉन्सर है ये शानदार रंग बदलने वाला गिरगिट, इसका नाम है ज़ेब्रोनिक ज़ेब ट्रांसफॉर्मर एम ऑप्टिकल USB गेमिंग माउस विद LED इफेक्ट, ये इसके टाइटल का नाम था और साथ में ब्लैक लिखा छोटा सा, ठीक है। तो मेरा दर्द देखते हुए ज़ेब्रोनिक्स वालों ने मेरे को ये माउस सेंड करा है, इतना बस माउस नहीं कहेंगे इसको, हम गिरगिट ही कहेंगे, गिरगिट सेंड करा है जो कि रंग बदलता रहता है। इसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं और मैं ही माइक्रो गेम प्ले इंप्रूव हुई है क्योंकि राइट क्लिक से गेम प्ले इंप्रूव नहीं हो सकती, सच बताऊं तो, ठीक है, एक माउस से तुम्हारा गेम प्ले इंप्रूव नहीं होगा, बट अगर माउस डिफेक्टिव था तब गेम प्ले इंप्रूव हो सकता है, और गेम प्ले के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और भाई मैं सच्ची बताऊं तो ये माउस मेरे को एकदम OP लगा है, इससे आप प्रो नहीं बन जाओगे, रेडिएंट पर नहीं पहुंच जाओगे, वो अलग बात है, मेरे पिछले माउस का राइट क्लिक काम नहीं करता था, लोल। मेरा एक्सपीरियंस इस माउस के साथ बहुत अच्छा है, और अगर आपको भी एक सस्ता अच्छा रंग बदलने वाला गिरगिट चाहिए तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जाओ
नीचे से जाकर आप बाय कर सकते हो। इसके साइड में मिल जाएंगे आपको ये DPI के बटन, DPI का बटन सॉरी वो ऊपर वाला ही हो जाएगा DPI के बटन। यहाँ पे आप 4 कंट्रोल्स यूज कर सकते हो। अगर आप इसको होल्ड करोगे तो इसकी लाइट बंद भी हो सकती है और जल भी सकती है, ठीक है। जैसे अभी बंद हो चुकी है, हम फिर से इसको दबाएंगे तो वापस इसकी लाइट जल जाएगी और रेड से स्टार्ट होगी और गोल गोल अपनी रिवर्स में लाइट घूमते रहेगी। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बटन्स मिलते हैं जिससे आप अपने कोई एक्स्ट्रा सेटिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट का लगा रखा है और ये स्क्रोल इसका बहुत सही है, बहुत स्मूथ है, एकदम मजेदार है। घुमाते जाओ बस मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। इसके बाद ये लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक जो कि हर माउस में होता है, और इसके पास मिलता है एकदम प्योर ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग लगी हुई है जो 2021 की ऐसी तैसी कर रहा है जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो जय माता दी साइनिंग ऑफ, और यह हो चुका है हमारे माउस का रिव्यू। वाह, बेस्ट रिएक्शन एवर, तालियां रुकनी नहीं चाहिए इनके लिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए इनके लिए। और देखो वहाँ पे कैमरा, हम लोग प्रैंक शूट कर रहे थे। हाय करो। हाय। मजा आया? नहीं आया? मजा तो बहुत आया भाई, मेरे को लगा तुम सच में लेके भाग रहे हो यार। तो दिखाइयो फोन, ले जाऊं अब? अरे भाई अच्छा बताओ इतना सैड क्यों हो गए थे आप? अपने अचानक से तोड़ दिया। अरे हाँ, लास्ट में प्रैंक ऐसे ही खत्म होता है। तो आज के लिए बस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैंक्स पर और रोस्ट वाली वीडियोस बनाऊं तो जल्दी से इस वीडियो का लाइक, एम का टारगेट है 500 लाइक्स। अगर 500 लाइक्स हो जाएंगे तो तुरंत ही नेक्स्ट वीडियो मैं रोस्ट वाली बनाऊंगा, वो भी प्रैंक्स पर। एंड जल्दी से वीडियो का लिंक अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दो, फेसबुक की स्टोरी पे लगा दो, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगा दो, मेरे को साथ में @ करके मेंशन कर देना, ठीक है। एंड कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊं। एंड एट लास्ट Subscribe to this channel to become a certified Bhuvaskar. Bye bye. क्यों नहीं कर रहे?